एक लंबे समय बाद क्लास की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ देखिए काफी लंबे समय तक कोई वीडियो नहीं आई थी इसका सबसे मेन रीजन था कि फोन का जो कैमरा था बिल्कुल ख़राब था अब ठीक है हर एक चीजें बिल्कुल क्लियर है तो इसी के रिस्पेक्ट में आज हम शुरुआत कर रहे हैं सौ क्वेश्चन की सीरीज याद रखेंगे सौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और डेली बाय डेली एक, एक एक या दो दो प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे टोटल हम लोग क्वेश्चन करेंगे हंड्रेड टोटल क्वेश्चन करेंगे कितने क्वेश्चन करेंगे हंड्रेड टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ये हंड्रेड टाइप के क्वेश्चन एक टाइप में एक टाइप को खत्म होने में पाँच से सात मिनट ही लगेंगे उससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा टोटल हंड्रेड टाइप करेंगे धीरे धीरे करते करते हंड्रेड टाइप कंप्लीट कर देंगे और एक वीडियो में एक से दो टाइप का क्वेश्चन हम आपको डिलीवर करेंगे क्लियर है समझिएगा आज जो है हमारा सबसे पहले टाइप का है। याद रखिएगा क्वेश्चन और यह दूसरा क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए हु बहू मिलते हैं केवल अंक बदल देगा नाम बदल देगा बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा क्वेश्चन क्या होता है ध्यान से समझेंगे कह रहा है रहमान को सुनिएगा रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल जाने व सवारी से वापस आने में दस घंटे लगते हैं कहने का मतलब रहमान नाम का कोई व्यक्ति है एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने मतलब एक निश्चित स्थान पैदल जाए और उधर से सवारी से वापस आए तो दस घंटे का समय लगता है कितने घंटे का दस घंटे का समय लगता है हालांकि दोनों तरफ की यात्रा सवारी से करता है तो पाँच घंटे बचा लेता है मतलब इधर से भी सवारी से आए और उधर से भी सवारी से आए तो पाँच घंटे बचा लेता है क्लियर है कह रहा है आइए क्वेश्चन करते हैं कह रहा है रहमान को एक निश्चित एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने वह सवारी से वापस आने में दस घंटे का समय लगता है हालांकि दोनों तरफ की यात्रा जब सवारी से करता मतलब दोनों जाए भी सवारी से आए भी सवारी से तो पाँच घंटे बचा लेता है आगे दोनों ओर की यात्रा पैदल तय करने हो कह रहा है कि दोनों ओर की यात्रा अगर पैदल तय करें जाए और आए तो कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आने और जाने का प्रश्न हो पैदल सवारी चाहे साइकिल से आने और जाने का प्रश्न हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पहला समय याद रखेंगे पहला गुड़े दो माइनस दूसरा ऑटोमेटिक आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा एकदम तुरंत सेकंडों में बिना पेन चलाए उत्तर आ जाएगा क्या करना है पहला गुड़े दो माइनस दूसरा इसमें देखिए सबसे पहला समय कितना दिया है दस घंटा पहला समय कितना दिया है दस घंटा तो क्या करेंगे दस गुड़े दो करेंगे और इसमें से दूसरे समय को घटा लेंगे दूसरा समय कितना है पाँच घंटा तो इसको घटा लेंगे दस दो रिजल्ट बनेगा बीस बीस में से पाँच गया रिजल्ट बनेगा पंद्रह घंटा कितना लगेगा पंद्रह घंटा यानी कि दोनों तरफ यात्रा पैदल तय करने में कितना समय लगेगा पंद्रह घंटे का और उत्तर हो आपका पंद्रह घंटा है ना मेथड से इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट से सीखेंगे अलग बात है लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है पहला गुड़े दो माइनस दूसरा कर देंगे आपका उत्तर आ जाएगा जो भी पहला समय दिया है उसमें क्या करेंगे दो से गुड़ा करेंगे और दूसरे समय को घटा लेंगे क्या दिया दस घंटे लगते हैं इसमें दो से गुड़ा करेंगे दस गुना बीस और दूसरा समय है पांच घंटा बीस में से पांच घटा लेंगे रिजल्ट आपका पंद्रह मिल जाएगा बोले हाँ कि ना याद रखिएगा इस क्वेश्चन वो क्लियर है अब बिना पेन चलाए हुए भी कर सकते हैं अगर मान लेते यही क्वेश्चन आ गया रहमान एक निश्चित दूरी को पैदल पैदल जाने और सवारी से वापस आने में दस घंटा लगाता है तो दस

तो इसका आंसर कितना बनेगा पंद्रह घंटा क्लियर कितना बनेगा पंद्रह घंटा आइए और डिस्कस कर रहे हैं अगला क्वेश्चन है निधि निधि नाम की कोई लड़की है एक स्थान से चलकर जाने साइकिल से वापस आने में तीन घंटा पैंतालीस मिनट का समय लगता है मतलब निधि नाम की एक लड़की है एक स्थान पर साइकिल से जाने और चलकर वापस आने में मतलब साइकिल से जाए और चलकर वापस आए तो कितना समय लगता है तीन घंटा पैंतालीस मिनट का समय लगता है उसे चलकर जाने आने में चार घंटा बीस मिनट लगते मतलब चलकर जाए और चलकर आए चलकर जाएंगे भी और चलकर आए तो चार घंटा बीस मिनट का समय लगता है दोनों और साइकिल से आने जाने में मतलब साइकिल से जाए भी और साइकिल से आए भी कितना समय लगेगा इसका ऑप्शन हमने गायब कर दिया फिर वही बातें पहला समय गुड़े दो माइनस दूसरा समय इसमें देखिए पहला समय कितना है तो तीन घंटा पैंतालीस मिनट करते हैं क्वेश्चन को तीन घंटा पैंतालीस मिनट में दो का गुड़ा करिए तीन घंटा पैंतालीस मिनट में इसमें दो का गूड़ा करिए अब जब दो काूढ़ा करेंगे प्यारे बच्चे तो तीन दूना कितना हो जाएगा छः और पैंतालीस दूना कितना हो जाएगा नब्बे तीन दूना छः और पैंतालीस दूना कितना रिजल्ट हो जाएगा नब्बे लेकिन आप एक बात बताइए छः घंटा तो होता है लेकिन नब्बे मिनट कहीं नहीं होता है तो नब्बे मिनट में से जो साठ मिनट है इसको इसमें मिल जाएगा और इसको एक घंटा बना देगा तो यहाँ बचेगा का तीस सही है ना धरती पर तो 90 मिनट होता नहीं है तो इसका 60 मिनट इसके पास जाएगा तो हो जाएगा सात घंटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तीस मिनट यह पहला समय दूसरा समय कितना है चार घंटा बीस मिनट बस इसको घटा देंगे इसमें से चार घंटा बीस मिनट घटा दीजिए तीस मिनट में से बीस मिनट निकल गया दस मिनट बचा सात घंटा में से चार घंटा निकल गया बचा कितना तीन घंटा यानी कि दोनों तरफ से क्या बोला है जी समझेंगे कह रहा साइकिल से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा तीन घंटा दस मिनट का समय लगेगा यही आपका आंसर बनेगा यही आपका आंसर बनेगा तो एक टाइप हमने आपको बिना पेन चलाए हुए सिखा दिया मतलब इसमें आपको पेन चलाना नहीं है ऐसे क्वेश्चन आएंगे जाने और आने वाले आप ऑटोमेटिक आराम से कर सकते हैं और याद रखेंगे ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखे जाते हैं दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो छोटे छोटे वीडियो में ऐसे सीखते रहेंगे आज इसको सीख लिए कंप्लीट हो गया फिर अगले दिन आएंगे कोई और क्वेश्चन के साथ आएंगे उसको सीख लेंगे दो टाइप कंप्लीट ऐसे करते करते आपको सौ क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा एकदम रटवा दूंगा सौ क्वेश्चन क्लियर है तो अगर फिलहाल चीज़ें समझ आई होंगी तो ठीक है भाई नहीं समझ आए होंगी तो समझने का प्रयास करिएगा कुछ नहीं करना है पहला गुड़े दो माइनस दूसरा कर देना पहला समय दिया है उसमें दो का गुड़ा कर देंगे दूसरा समय घटा देंगे रिजल्ट आपके सामने रहेगा ठीक है थैंक यू